बदोही विकास खंड के साधन सहकारी समिति लीबरवा करीबन सन 2011 से घोटाले का दंश झेल रहा है। ज्ञात हो कि इस साधन सहकारी समिति लीबरवा के अंतर्गत करीबन 1.5 दर्जन गांव आते हैं। इन गांवों के किसानों को करीबन 10 वर्षों से ना तो ढाई खाद ना यूरिया खाद इस समिति से कोई भी सामग्री इन गांवों के किसानों को नसीब आज तक नहीं हुआ है। इन गांवों के किसान ढाई खाद यूरिया खाद आदि सामग्री के लिए दर दर भटक रहे हैं। साधन सहकारी समिति लीबरवा के इस समय कार्यरत सचिव संतोष कुमार शुक्ला ने 24 आवर्स टुडे न्यूज टीवी चैनल के प्रेस रिपोर्टर धनंजय राय द्वारा संपर्क करने पर बताया कि हमारे पहले रहे सचिव राम नारायण मिश्रा द्वारा 4,72,165 रुपए का घोटाला किया गया है। उनके खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। तब से इस साधन सहकारी समिति लीबरवा पर ना तो ढाई खाद आती है, ना तो यूरिया खाद आती है और ना ही कोई सामग्री आती है। सचिव संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि इस बाबत विभाग के संबंधित अधिकारियों सहित जिला अधिकारी बदोही को भी मौखिक व लिखित तौर पर अवगत कराया गया है, फिर भी जिलाधिकारी महोदय के लापरवाही के चलते क्षेत्र के किसानों को इस साधन सहकारी समिति लीबरवा से खाद आदि सामग्री कुछ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि भवन काफी जर्जर है, किसी भी समय गिरकर धराशाही हो सकता है। इतना ही नहीं, धान के लिए इस साधन सहकारी समिति लीबरवा पर धान खरीदने के लिए बोरा तक नहीं है। अब तक 24 किसानों से 1522 क्विंटल धान लिए गए हैं। बोरा न रहने की वजह से राज्य के धान क्रय केंद्र पर हम और धान की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ के सचिव थे पहले राम नारायण मिश्रा, उन्होंने वर्ष 2011 में 4,72,165 रुपए का गमन किया जी, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलाइजर आने की असुविधा हो रही है जी जी। तो किसानों को सही ढंग से मिलेगा वो फर्टिलाइजर, खाता चौक होने की वजह से उनकी समिति को खाद प्राप्त नहीं होगा। और थोड़ा बता दें कि मैं इस बाबत जबकि राम नारायण मिश्र के ऊपर 4,72,165 रुपये का FIR भी है, जिसका कागज हमारे पास मौजूद है। मुकदमा के दौरान न्यायालय में है और उनका 7,28,000 कुछ रुपया वेतन भी रुका हुआ है। वेतन का मांग करते हुए उन्होंने पैसा जमा नहीं करा, जिसकी वजह से समिति की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है।